पर्टिकुलरली जब मैं स्पेशली जिस जगह से हूँ वहाँ पे पॉल्यूशन कुछ ज़्यादा है, लेकिन जब यहाँ पे आता हूँ तो मेरे को नेचुरली फील होता है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। और पर्टिकुलरली जब हमारे कॉलेज के एरिया तो इतना ज़्यादा ग्रीनरी वाली है और थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसकी वजह से पेड़ काटने तो पड़ रही है, लेकिन मैनेजमेंट ने काफ़ी बढ़िया से आपने देखा होगा रास्ते में आते हुए कि जहाँ पे भी जगह मिला है वहाँ पे पेड़ लगाने का मैक्स टू मैक्स ट्राई किया गया, मैक्स एरिया कवर करने का ट्राई किया गया मैनेजमेंट के। ये इनिशिएटिव जो ग्रीन जेएनके और ग्रीन इंडिया मिशन का भी आज यहाँ पे जेएनके में लॉन्च हुआ है, इसका मकसद यह है कि हमें जंगलों को बढ़ाना, विस्तृत करना है, ना केवल जंगल बल्कि बाहर के एरियाज और कम्युनिटीज इनमें इन्वॉल्व हों। वो जो एक लुप्त होता जा रहा था सहकारिता, कोऑपरेशन और कम्युनिटी इंगेजमेंट, वो इसे बढ़ेगी। और इसलिए आज उपराज्यपाल साहब ने खुद आके हमें नवाजा है, हम बड़े शुक्रगुजार हैं और इसमें देखिए एक नई क्रांति आएगी। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सोशल फॉरेस्ट्री और जितने भी हमारे ये सिस्टर विंग्स हैं सब ने मिल के जम्मू कश्मीर में इसको नाम दिया है जम्मू एंड कश्मीर ग्रीन ड्राइव। तो इसके अंतर्गत इस वर्ष 130 लाख पेड़ हम जंगलों में और जंगलों के बाहर जो दूसरी भूमि है, विलेज कॉमन लैंड्स हैं, रेवन्यू लैंड्स हैं, स्टेट लैंड्स हैं, ये सारी ज़मीनें हैं, इनके ऊपर लोगों की सहायता से हम वो वृक्षारोपण करें, पेड़ लगाएं।